हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ना विशाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग तो आज हम बीकानेर में, तो आज है हमारा डे टू और ये सभी रेडी हो रहा है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। इधर ही अपना पूरा चार्जिंग स्टेशन। यार शूज निकाल दे मेरे। और चल छोड़ता मार के लोग करके ऊपर आ जाइए। ये तो ऊपर का जबा जबा जा रहे हैं। तड़के तड़के बाजा बजा रहे थे। शीशे दिखा दे। शीशे में तन्ने दिखाऊं शीशे में और अच्छा ले। बस है वो भी एड्रेस है। फोन ले ले, की निकाल ले। बस बस की बात और अरे 1 लाख हाथ में ले घंटा है। थर्ड फ्लोर पे माइनस में जा रही है ऊपर जाना हमने। सुबह रात को ठंडा दिन में कर रेस्टोरेंट यहाँ से ऊपर। वाओ अरे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? और भैया क्या चल रहा है? तू क्या खा रहा है? अरे इधर है यश, चाय लिया है। यश दो चाय दो मट्टी। यार ब्रेकफास्ट अभी हमने कर लिया और वापस अपने रूम में चलते हैं और बाकी की तैयारियां करते हैं। फिर निकलना भी है यहाँ से, कुछ गाड़ियाँ वॉश होने के लिए गई हैं अभी। बस वही अब कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं और दिखाते हैं फिर आपको कैसा क्या। यस चल अपना सारा सामान पैक करके आ जाए नीचे, मैं जा रहा हूँ। चलो भाई ऐसा सा कुछ होटल है, अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही हैं। रिसेप्शन एरिया और नीचे, और यहीं से नीचे चलते हैं। वेट फ्लोर के लिए भी क्या लिफ्ट से जाना है। खोल दिया, कोई ना जा। और ये हमारे ग्रुप की तो नहीं है, ये थार आई है, एक और थार अपनी फॉर्चुनर। इधर ये सुजू, ये लेक्सस और इधर एक थार। ऑल सेट, ऑल सेट। आपकी अपनी गाड़ी का एक नुकसान हो चुका है छोटा सा। क्या नुकसान हो गया? क्या कह रहे हैं?
क्या हो गया दिखाओ, सेंटर लाइनिंग गई इधर वाली, कल ये निकल चुकी है। बम्पर रिमूव ही कर लो वैसे। नहीं बम्पर रिमूव करने की जरूरत नहीं है। सेंटर लाइन गई, कह तो रहा था मैं। उसके बाद ये खुलवाता रही है साथ के साथ। ये वर्कशॉप भी है इनके पास भी है मिस्त्री। चलो क्या हाल है कार्तिक भाई? बढ़िया। और क्या हाल है भाई? अजय किस टाइम पहुंचे तुम? लगा रहा क्या समय अभी? ये क्या कह रहे हैं होगी? वॉशिंग कराने गाड़ी की, और आप देख रहे हैं इधर टायर साफ हो रहे हैं, पीछे बम्पर वगैरह सारी चीज़ें होनी हैं अभी, तो गाड़ी वॉश करा के वापस चलते हैं। ये वाली गाड़ी हमारी हो चुकी है रेडी, ये वापस होटल। एक इधर ही से जो ये हो चुकी है, एक और अभी पेंडिंग है गाड़ी आने वाली है, तो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी चलेंगी फिर कन्वॉय में। लेकिन उससे पहले वॉशिंग जरूरी है, क्योंकि स्टिकर्स वगैरह भी लगने हैं। तो ये चल रहे हैं, चल पड़े वापस है? वापस व्हील्स में डलने अभी से हुआ, अभी तो बस जा रहे हैं होटल। हाँ हाँ ओके ओके ठीक। अपनी हो चुकी है वॉश और अभी के नीचे निकलवा रहे हैं फुट रेस्ट, ताकि कोई ऑफरोडिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो, कुछ चीज़ें टूटे ना इसी वजह से। और इस साइड ये अपनी लैंड क्रूज़र भी साफ़ हो रही है, तो उसके बाद देखते हैं आगे का सीन जो भी बनता है। अभी यहाँ से होटल जाएंगे वापस। और अभी गाड़ी वॉश हो चुकी है और उसके बाद हमने फुट रेस्ट जो है वो भी निकाल दिए, वो इशूज़ों में रख दिया है। तो अभी इसके बाद हम लोग अभी डायरेक्ट होटल जाने वाले हैं, तो वहाँ से सभी लोग इकट्ठे चलने वाले हैं ऑफरोडिंग के लिए। तो अभी देखते जाके आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा सबके साथ। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। और ये देखो अभी यहाँ पे हवा चेक करा रहे हैं गाड़ी में, और देखते हैं आगे जो भी सीन बनता है। फाइनली इवेंट वाली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जहां से इवेंट का मतलब पूरा सारी गाड़ियां यहां पे गैदर है, मतलब जितने भी टीम आई हुई हैं, जितने इंडिविजुअल्स आए हुए हैं, सब यहां पे गैदर हैं, सब एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है और क्या प्रोग्राम है आगे का। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, यहां से इवेंट स्टार्ट होने वाला है। हाँ चल रहा है, वो ले तो रहा है। तो सभी ग्रुप मेंबर्स साइड गाड़ियां लग चुकी हैं, और उधर ये कुछ इवेंट है अपना, इस तरह से रेड बुल ऑर्गेनाइज करा रहा है, और काफ़ी कुछ और भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी देखते हैं। और यहां से एंट्री गेट है जो होने वाली एंट्री, यहां से गाड़ियों की एंट्री होगी। पहले कुछ पेपर वर्क्स हैं,
यार हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमको अभी आगे जाना है जहाँ भी ड्यून्स चैलेंज होंगे। तो ये वाला आज वाला इवेंट तो होने वाला है वो रात को होगा, लेकिन अभी सभी गाड़ियों की एंट्री वगैरह हो रही है, तो अभी अंदर दिखाता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको कि कैसा क्या है, और वहाँ से मेन से एंट्री है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या है। तो ये काफ़ी गाड़ियाँ आ चुके हैं इधर, ये आप देख सकते हैं, और ये स्पॉन्सर्स हैं, आप देख लें राजस्थान, राजेश टोयोटा, यूवी, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड, विस्ता बीकानेर पैलेस, ये कुछ सभी आप देख लेना जो भी हैं, और रेड बुल, और इधर ये म्यूजिक सेटअप अपना कुछ, और टी। बस चलते अंदर और दिखाता हूँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो वैसे काफ़ी सही जगह है लोकेशन वाइज, इट्स गुड, एथनिक इंडिया। तो बस चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं। तो इधर चल रही एंट्री, भाई अभी इधर एंट्रीज चल रही हैं। इन द मीन टाइम हम यहाँ अपना फोटो शूट कराते हैं, बाद में वीडियो में ऐड कर दूँगा, वो आप चेक कर लेना। और कैसे रहा अभी तक का? जय राम जी की भाइयों, जय राम भाइयों। राज यहीं रूम ले लें, प्रॉपर्टी तो काफी सही है, कोई नहीं हम भी कर लेंगे अपना। सो दिस इज अवर पूल एरिया, आप देख सकते हैं काफी सही है। इस साइड रेस्टोरेंट फिर तो नया तो चलो भर पानी डूब के मर जाएगा, तो फिर भी बतेरा है। तो यश प्रॉपर्टी कैसी लगी? बढ़िया प्रॉपर्टी, पैसे हैं तो प्रॉपर्टी बढ़िया है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई चला रहा यार केवलम बड़ी नहीं कर रहा है। चलो करा लिए बाय एंट्री वेंट्री, तो बस देखते हैं अभी क्या सीन बनता है आगे का। इधर मानसू भैया बड़े खुश हो रहे हैं। स्टिकरिंग हो चुकी है डन, स्टिकरिंग आप देखो एक बार दिखाओ भाई, स्टिकरिंग जो हमने की थी, जो बता रहे थे जो मोटर स्पोर्ट्स वालों की तरफ से मिले हैं, जो हमारे स्टिकर्स हैं सारे लगा चुके हैं। और आगे देखो ये स्टिकर हमारा है, ये हमारा है, ये ड्यून क्रॉस वालों की तरफ से मिला है, ये मेरी गाड़ी का नंबर है 146, और ये राजस्थान जीप क्लब वाला है अपना, और ये पीछे लगे हुए थे, ये भी हमारा खलेराना एक्स वाला है, और ये सारे हमारे पीछे हमारे ही लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये स्टिकर लगे हैं अभी, ये इनके स्पॉन्सर हैं जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के हैं, ये राजस्थान, ये भी सेम जो उधर है वो सेम, दोनों साइड सिमिलर है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं, अब स्क्रूटनी ऑलमोस्ट जो पेपर वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, जो स्टिकरिंग थी वो डन हो चुकी, हाई रिस्क रैली कवर इंश्योरेंस होता है वो लेना ज़रूरी था, वो भी अंदर मतलब जो भी कुछ होना था वो सब हो चुका है। अब यहाँ से एंट्रेंस करना है, वो गाड़ी वाड़ी चेक करेंगे जिसमें फर्स्ट एड किट एंड ऑल जो भी चीज़ें होंगी, वो अब आगे चल के देखते हैं क्या होने वाला है।
तुषार अभी हमें बताएगा, हमें ज्ञान दे रहा है मतलब गाड़ी का। टू ऑल द ड्राइवर्स और भक्तजन, आप सब लोगों को आज जो रेस है इसके ऊपर फोकस करना शुरू करना पड़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसी से आपकी जीत और हार की डेफिनेशन। वेयर आर यू हेडिंग टू? I'm coming there. I have to understand what you're saying. No, it's very important, no? Which these days, yeah. Focus नाम की चीज आप एक जगह बैठ के सुनेंगे ना तो शायद चांस हो आप 1% जीत जाए। वैसे आपको ड्राइविंग का आपको पता ही है। Yes, sir. और आप ये जो खलेरा टैग पहन के घूम रहे हो ना, अच्छा, दिस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। यू आर नॉट रेसिंग फॉर अस, आप रेस कर रहे हैं किसके लिए? आप रेस कर रहे हैं तो दुख का क्या टैग लगा दुनिया में? यही आपको ध्यान रखना है। अब जब आप रेस में जाएंगे, हाँ जी, तो आर्टिकुलेशन करो। अब आर्टिकुलेशन आप दो काम कर सकते हैं, या आप फोकस ना करें आर्टिकुलेशन तो आप हारे, पर अगर आप जीतना चाहते हैं आप क्या, आप कहाँ आते हैं? आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए हैं या खुद लाने आए हैं? जैसी आर्टिकुलेशन आएगा आपने गाड़ी को वैसे एक्सीलरेट करना है और एक्सीलरेट करके मोमेंटम ही तोड़ना, तो क्या करेंगे आप गियर डाल, उससे क्या होगा कि आपके ड्राइवर और को ड्राइवर में बनेगी क्या, वो हमारा आज रात का है की इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं नॉट। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी थी ना, करके गाड़ी जाती है गाड़ी की ड्राइवर कोई ड्राइवर। आप समझ रहे हैं क्या करना है? व्हाट यू हैव टू गियर डाउन एंड बट ज्यादा जोर की नहीं, एम नहीं, हल्की करनी है, हल्की करनी है, हां मतलब गाड़ी हवा में रोके, हवा हवा में हो जाए, सिर्फ गैस चाहिए साथ में लिक्विड ड्रिंक भी, कुछ नहीं पता लगे आप उसके साथ इंजन ऑयल भी निकालना। ओनली जॉब जो एंगल है उससे जितना उसका टेंशन है उसका आर्टिकुलेशन है। अब आर्टिकुलेशन जो अलग अलग टाइप के आपको रेगिस्तान में मिलेगी है ना, या तो आपकी गाड़ी ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, पर आपको आर्टिकुलेशन पे फोकस है। बाकी आपका गियर क्या है, एक्सेलेरेटर कितना, ये सब नौसिखिया ड्राइवरों की चीज़। जो ड्राइवर आर्टिकुलेशन जानते हैं वो रैली जीत, आप समझ रहे हैं ना, समझ ना बहुत आर्टिकुलेशन हो यार। अभी लंच हमने कर लिया है और गाड़ी की स्ट्रेटनिंग थी वो भी हो चुकी है, तो अभी वापस होटल चल रहे हैं और मेन हाईवे पे ही है ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे ले सकते हैं। रेस्टोरेंट तो नहीं, ढाबा है और इसका नाम है गणपति जैन ढाबा। खाना अच्छा है और क्या कहते हैं इसकी चटनी बहुत अच्छी लगी, प्याज क्या थी, टमाटर की चटनी, वो ज़रूर ट्राई करना एक बार। बाकी खाना अच्छा है तो चलते बाकी से वापस से भी रूम में। और यहाँ ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं अपनी और ये इस ढाबे का नाम है। तो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से सभी और चलते हैं आगे। हमारा खाना कुछ पैक हो रहा है तो बस वो लेके फिर चलते आगे। तो भाई स्क्रूटनी हो गई है डन, अब हम जा रहे हैं होटल तो वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर हमारा स्टेज वन है 6 बजे के बाद स्टार्ट होगी। तो आज बज चुके अभी, नाइस स्टेजेस हैं यहाँ तो थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी होटल जाके, 1 घंटा रेस्ट करके फिर स्टेजेस के लिए रवाना हो जाएंगे। देन फिर बाकी तो वो आपको देखने को मिल ही जाएगा क्या होने वाला है, जो टाइम स्पीड लिमिट जो भी चीज़ होने वाली है। तो अभी रात को दिखाते हैं, अभी पहले होटल पहुँचते हैं और वहाँ रेस्ट करते हैं। अरे मैं तो छोड़, मेरे एक फोटो के चक्कर में ना 10 फोटो खींचे, 10 मिनट खराब हो जाएंगे। एक तू तो अकेला अकेला खिंचवा हुआ, मैं वो
डब्बा दे आप कहीं रहे कोटि में तो 10 मिनट।